अभी अभी की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के पास है सिर्फ 15 दिनों का समय। दिल्ली सीएम आवास 6 प्लग स्टाफ रोड के रिनोवेशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना संज्ञान ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान ले लिया है। एलजी ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुख्य सचिव को लेटर लिखकर सीएम आवास के रिनोवेशन से जुड़े कागजात और फाइलों को सुरक्षित करके 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इन फाइलों के आधार पर मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों मंत्रियों की भूमिका की जांच करेंगे। मामले में इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या रिनोवेशन की अनुमति देने के लिए कुछ वित्तीय नियमों का बदलाव किया गया है और आखिर इन सब चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है। इससे पहले अबकारी नीति मामले समेत कुछ अन्य मामलों से जुड़ी फाइलें गायब हो गई थी और सबूतों को कथित तौर पर मिटा दिया गया था। आपको बता दें, दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए थे। 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2021 तक 16 माह का वक्त ऐसा था जब बड़े से बड़ा उद्योग व्यापारी भी मंदी की मार झेल रहा था और दिल्ली सरकार का राजस्व आधे से भी कम पर आ गया था। दिल्ली सरकार ने विकास कार्य ही नहीं अनेक राहत कार्य तक धन का अभाव में रोक दिए थे। कोविड काल में पीक के 16 माह के दौर में अरविंद केजरीवाल ने अपने घर और ऑफिस में 45 करोड़ रुपए का खर्च किया था। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के घर में 10 टीवीयां लगी थी जिसमें हर एक टीवी पर 6 लाख रुपए खर्च किए गए थे।